सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल फरहत व्लॉग्स को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज आपके लिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ, वो वीडियो है एक फेस मॉइस्चराइजर के बारे में। तो ये फेस मॉइस्चराइजर जो है वो ऑल इन वन मॉइस्चराइजर है, क्योंकि जो ऑयली स्किन वाले होते हैं स्पेशली वो लोगों को क्या होता है मॉइस्चराइजर ढूंढने में कौन सा मॉइस्चराइजर लगाया जाए और वो एक इफेक्टिव हो, प्लस आपको हाइड्रेट रखे, देन आपको एक अच्छा प्लस ग्लो दे, आपको ग्रीसी ना दिखाए, वो उसके लिए बहुत उनको देखना पड़ता है। ये नहीं वो मॉइस्चराइजर, दे हैव टू सफर अ लॉट मॉइस्चराइजर ढूंढने में। एंड ड्राई स्किन वालों को ये प्रॉब्लम होता है कि हैवी मॉइस्चराइजर लगाने की वजह से उनको होता है कि वो उनका फेस ग्रीसी लगने लगता है, ऑयली लगने लगता है, तो ड्राई स्किन वालों को वो चीज नहीं पसंद है। तो मैं यहाँ आज आपके लिए इसका सोल्यूशन लेके आई हूँ। ये सोल्यूशन है मामा अर्थ ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर विथ एप्पल साइडर विनेगर। तो ये आप देख सकते हैं, एंड दिस इज स्पेशली मेड फॉर एक्ने प्रोन स्किन, जिनके फेस में एक्ने बहुत आता है वो यूज इसे कर सकते हैं, ये बहुत इफेक्टिव है उन लोगों के लिए। बट ये ड्राई स्किन वाले के लिए भी इफेक्टिव है, क्योंकि मैंने देखा है कि ये जो मॉइस्चराइजर है ये सिर्फ ऑयली स्किन ही प्रेफर करते हैं, बट ऐसा नहीं है, ड्राई स्किन वाले भी लगा सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई स्किन वालों को ये होता है कि उनको ऑयली फेस मॉइस्चराइजर जब हैवी लगाते हैं तो उससे उनका फेस ग्रीसी लगने लगता है और उनका फेस जो है ऑयली ऑयली लगने लगता है, जो उनको नहीं पसंद है। हम लोग बाहर जाते हैं एंड वी अप्लाई अ हैवी मॉइस्चराइजर तो वो अच्छा नहीं लगता है आपके फेस पे, काफी ऑयली लगता है एंड दैट डजंट लुक गुड ऑन योर फेस। तो इसलिए हमें एक हल्का मॉइस्चराइजर चाहिए जो हमारे फेस को हाइड्रेट भी रखे प्लस हमारे फेस को एक अच्छा ग्लो भी दे। तो ये मॉइस्चराइजर इज द बेस्ट मॉइस्चराइजर फॉर ऑल स्किन टाइप। एंड या ये मॉइस्चराइजर जो है इसमें पैराबिन नहीं है, सिलिकन नहीं है और ये लाइट एंड नॉन ग्रीसी है, जैसे कि मैंने आपको अभी कहा। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाते हैं। तो इसमें इसके पैकेजिंग में सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसमें बोला गया है कि सुबह और रात को आप लगाइए, बट मैं इसे सुबह शाम एंड रात को तीन वक्त में इसे लगाती हूँ अपने फेस पे ये मॉइस्चराइजर। एंड माई स्किन टाइप इज कॉम्बिनेशन, मेरा ड्राई भी नहीं है ऑयली भी नहीं है, मेरा कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है। बट ये ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव सीन ड्राई स्किन पीपल यूजिंग दिस और उनको ये इफेक्टिव ये मॉइस्चराइजर काफी रहा है। एंड ऑयली स्किन के लिए आप तो जानते हैं ये मॉइस्चराइजर बेस्ट है। तो आगे देखते हैं इसको लगाने के बाद हमारा फेस ऑयली होता है कि नहीं होगा, बट आपको एक लाइव टेस्ट दिखाना जरूरी है, बिकॉज यू हैव ट्रस्ट इन मी और आप इस ये प्रोडक्ट को खरीदिएगा तो आपको जरूरी है ये कैसे होता है यूज एंड इसे लगाने के बाद ये कैसा दिखता है। डेमो दिखाने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैं इसका पैकेजिंग आपको बता दूँ, तो डेमो उसके आगे आपको कन्वीनियंट होगा कि पैकेजिंग कैसा है। जब आपको रिसीव होता है ये क्लियर पैक में रिसीव होता है, यू हैव टू टियर दैट, देन आपको ये ऐसा एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग मिलेगा, उसके अंदर आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। ये इसका एमआरपी है 299 रुपीज, बट मुझे ऑफर प्राइस में 249 पड़ा था। एंड दिस प्रोडक्ट इसका जो क्वांटिटी है ये प्रोडक्ट का, ये 80 ग्राम्स प्रोडक्ट मिलता है, काफी अच्छा प्रोडक्ट है, एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है। एंड या दिस इज द प्रोडक्ट, ये आपको ऐसा ट्यूब फॉर्म में मिलता है, ये आपको ट्यूब फॉर्म में मिलता है, ये आपको ऐसा यहाँ पर आपको स्क्वीज करना होगा तो आपका ये प्रोडक्ट निकलता है। तो देखते हैं अब आगे कि ये कैसे यूज होता है। तो आपको एक अमाउंट लेना है, अच्छा अमाउंट, इफ यू आर हैविंग अ ड्राई स्किन आप इससे थोड़ा ज्यादा ले लो, थोड़ा मतलब इसका आधा और ले लीजिए अगर आपका ड्राई स्किन है, अगर ऑयली है तो इसका आधा लीजिए, एंड कॉम्बिनेशन है तो यही अमाउंट आप लीजिए। एंड सी अब हम इसे अपने फेस पे ऐसे सर्कुलर मोशन में लगाएंगे एंड इसे अब अच्छे से मसाज कर लीजिएगा अपने फेस पे। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, प्लस ये आपके फेस में शाइन लाया है, आपके फेस को हाइड्रेट किया है। आप देख सकते हो खुद ही, आप डिफरेंस इसका बता सकते हो, ये आपके फेस को हाइड्रेट किया है, सबसे पहला पॉइंट, ग्रीसी नहीं बनने दिया है, दूसरा पॉइंट जो इस पे बताया गया वो ये नहीं किया। प्लस ड्राई स्किन वाले को भी एक्ने
प्रॉब्लम्स होते हैं, तो एक्ने प्रॉब्लम के लिए तो ये है ही, ये बहुत इफेक्टिव है बिकॉज इसमें बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ है एक्ने प्रोन के लिए, तो ऑब्वियसली एक्ने तो होने नहीं देगा ये। एंड आप अगर बाहर जा रहे हो, इफ यू आर अप्लाइंग मेकअप, आपको ये मॉइस्चराइजर काफी अच्छा लगेगा। मेकअप से पहले मॉइस्चराइजर जरूरी है लगाना, तो ये मॉइस्चराइजर आपको काफी अच्छा लगेगा। आपको एक ट्राई आप दे सकते हो, यू विल डेफिनेटली बाय अनदर पैकेज। आपका जब ये खत्म हो जाएगा आपको ये एक ट्राई देना चाहिए। पर्सनली मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ और रिकमेंड भी करती हूँ आपको कि आप ये जरूर यूज कीजिए एंड ट्राई इट, एंड मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। एंड अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो जरूर बताइए कि आपके क्या इसके बारे में रिव्यू है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड या दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए अपने फीडबैक, एंड आगे कैसा वीडियो चाहिए वो कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैवंट। सो बाय बाय गाइस।